आप देख सकते हैं एडवेंचर टाइप ही है पूरा, और इधर वो डेंजर भी है, बहुत डेंजर है। इधर से आप गिर गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके एक भी हड्डी नहीं मिलने वाली है। ये बहुत खाई है नीचे। ओके, आप देख रहे हो उधर खाई के ऊपर से उधर मंदिर दिख रहा है आपको, वो मंदिर के अंदर एक कैव है, बहुत बड़ा कैव है। एवरीवन, दिस इज राम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। अभी मैं नेपाल में हूँ आपको मालूम है, तो आज मैं ऐसा ब्लॉग आपको दिखाने वाला हूँ गाइज, थोड़ा एडवेंचर टाइप भी रहेगा। तो और एक ऐसा हिडन प्लेस है, सिर्फ लोकल लोगों को मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं है, और नेपाल में भी मालूम नहीं है। और एक कैब है, आपको कैब में आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो गाइज, जो कोई भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब, और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आइए चलते हैं। लगभग 40 या 45 मिनट ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं कैब के उधर। लगभग उधर पहुंचने के लिए मुझे लगेगा 10 to 15 मिनट्स लगने वाला है अभी। तो आप देख सकते हैं इधर ऑफ रोड है, और ट्रांसपोर्टेशन भी इतना नहीं है। आप खुद का बाइक रहेगा तो आप बाइक में जा सकते हैं, लेकिन आपका बाइक नहीं रहेगा तो आप ट्रैकिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन बाइक से अच्छा ट्रैकिंग करने में मज़ा, उसमें मज़ा आता है। ओके, थोड़ा ठंडी का मौसम भी है, और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ कैब। उस कैब का नाम है चमेरी कैब, लेकिन उधर क्या दिया नया नाम मैं आपको बताऊँगा, आगे जाके एक्सप्लोर करूँगा। आप एडवेंचर देख सकते हैं गाइस, पूरा हिल से ओके ऊपर से नीचे देखने में थोड़ा अलग ही लगता है। आज का मौसम क्लियर नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी ऊपर है पहाड़, इधर पहाड़ में पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। शायद अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं ये कैब के उधर। आपको ये व्यू बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, देख सकते हैं ये व्यू। ओके, और ये हिडन प्लेस है गाइस, इधर कोई आता नहीं है, लोकल लोग ही आते हैं। और मौसम साफ रहेगा ना तो इसमें बहुत अच्छा व्यू निकलता है। इसके ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो कैब इधर है, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। सामने सामने मंदिर दिख रहा है आपको, छोटा सा मंदिर, इधर क्या हुआ। तो मैंने आपको बोला था ऐसा प्लेस आपको दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं दिखाया रहेगा। ओके, और हिडन प्लेस है, कोई भी आते नहीं इधर। ओके, लोकल लोग ही आते हैं, और इतना यूट्यूबर तो अभी इतना आते भी नहीं है मैंने देखा इधर। ओके, तो थोड़ा आपको अच्छा लगता, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कैसा लगा ये जगह। ओके, इसमें रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, और ये पूरा ऑफ रोड है। लगभग आज के 2-4 साल के बाद ही पूरा रोड बनने चाहिए। ओके, और इधर डेवलपिंग भी चालू है थोड़ा कैब के उधर। पहले तो कुछ भी नहीं था इधर, हम लोग छोटे बचपन पे पिकनिक के लिए स्कूल से आते थे। ओके, टीचर्स लेके आते थे हम लोग को पिकनिक के लिए, और अभी वही पिकनिक स्पॉट से ही है, लगभग पिकनिक स्पॉट है। और इधर बहुत ठंडी होती है, बहुत ऊपर है। ओके, थोड़ा ठंडी भी बहुत होती है, और थोड़ा अभी लगभग 2-3 बज चुका है, तो धूप भी नहीं है, पूरा शांत है वातावरण इधर, पूरा कोई नहीं है, पूरा शांत, ऐसा लगता है पूरा सुकून मिलता है गाइस इधर आने के बाद। ओके, कोई गाड़ी का चैचू नहीं, कुछ नहीं, मेरा भाई है। ओके, यूट्यूब चैनल है इसका, वो नेपाली लैंग्वेज में अभी स्टार्ट कर रहा है, एक दो वीडियो बनाना चालू किया है, और ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, इसका उम्र इतना नहीं हुआ है, लेकिन इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट तो नहीं है, ऐसे फालतूगिरी में इंटरेस्ट है वीडियो बनाना। हाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ऑन चैनल ऑफ एशियनल गाइस। गाइस, हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं, लोग पहुंच चुके हैं। ओके, आप देख सकते हैं एडवेंचर टाइप ही है पूरा, और इधर वो डेंजर भी है, बहुत डेंजर है। इधर से आप गिर गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके एक भी हड्डी नहीं मिलने वाली है,
ये बहुत खाई है नीचे, ओके। आप देख रहे हो उधर खाई के ऊपर से उधर मंदिर दिख रहा है आपको, मंदिर के अंदर एक कैव है, बहुत बड़ा कैव है, और उधर से आप गिर गए तो आपको डायरेक्ट नीचे किधर जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। पहले इधर से रास्ता नहीं था, अभी थोड़ा डेवलपिंग हो गया, पूरा रास्ता बनाया है ऊपर से, पहले हम लोग इधर नीचे से जाते थे, ओके। अभी इधर रास्ता भी है, रोड थोड़ा डेवलपिंग किया है, तो चलो आइए देखते हैं आगे मिलते हैं, ओके। आगे जाने के बाद हम लोग उस उधर से आए थे, ओके। इधर थोड़ा डेंजर भी है तो डेंजर जगह पे ही तो एडवेंचर होता है, ओके। और इधर थोड़ा मौसम क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा क्लाइमेट की वजह से क्लैरिटी आपको थोड़ा कम दिखेगी। हम लोग पहुँचने वाले हैं समरी कैप के अंदर पहुँचने वाले हैं, ओके। थोड़ा थोड़ा दो चार स्टेप नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ओके। और इधर नीचे बहुत डेंजर एरिया है, इधर से गिरोगे तो मिलेगी नहीं कुछ भी, ओके। और ये तो रेलिंग भी लगाया हुआ है थोड़ा। गाइज मैं अभी पहुंच गया हूँ चमेरी कैप के इधर, और आपको मैं एक्सप्लोर करूँगा चमेरी कैप कैसा है। लेकिन इधर कंस्ट्रक्शन लाइन चालू है, लाइट नहीं है अंदर, तो थोड़ा अंधेरा है थोड़ा। और हम लोग दो जाने हैं, सिर्फ मेरा ब्रदर है और मैं हूँ, लेकिन बाकी कोई भी नहीं है। तो इधर थोड़ा सा सूना सा जगह भी है थोड़ा, तो आपको मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा, अंदर नहीं जा सकते, लाइट भी नहीं है। तो उधर जाने के लिए थोड़ा सा दो चार लोग सही रहता है, अकेला नहीं जा सकते, और लाइट रहता तो इधर गाइड भी नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन अब भी चालू है, तो इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी डेवलपमेंट चालू है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बोलते हैं चमेरी कैब, ओके। इधर थोड़ा गेट है ये अंदर जाने के लिए, और इधर से थोड़ा नीचे, इधर थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। ये है शिव भगवान, ओके, भोले भोले हर हर महादेव। और ये किसने इधर हेल्प किया था वो लोग का नाम और माउंट है, ओके। और इसके अंदर से आप जा सकते हैं, थोड़ा आगे है, और ये भी है। और इधर थोड़ा लाइट का अभी व्यवस्था किया है, ओके। लाइट बना रहे अभी टेम्प्रेरी, अभी तक ऐसा कुछ बनाया नहीं है। और यहाँ से अंदर जाने का है, अंदर जाने के बाद थोड़ा अंदर ही जाना पड़ता है, और इधर से थोड़ा अंदर जाने के लिए थोड़ा लाइट चाहिए रहेगा आपको, और लाइट नहीं है। और इधर डेवलपमेंट चालू है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है, और कोई गाइड भी नहीं है अभी तक, ओके। तो आपको फ्यूचर में गाइड भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगा, तो आप इधर आना है तो आ सकते हैं, ओके। और आपको दूसरा भी दिखाऊंगा, इससे ऊपर है, तो ऊपर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। और मैं अभी दूसरे जगह पर जा रहा हूँ, और इससे थोड़ा ऊपर भी एक है कैब, और ये बहुत लंबा कैब है गाइज। और इधर से पहुँचोगे लगभग आधा घंटा लगेगा अंदर, इतना बड़ा कैब है। और इधर कंस्ट्रक्शन चालू है अभी, अब डेवलपमेंट नहीं हुआ है इतना, तो इसके लिए इधर टिकट का भी कोई व्यवस्था नहीं है, टिकट वगैरह ये सब, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये दूसरा कैब, और इधर से थोड़ा आपको व्यू भी दिखने को मिलेगा, आपको व्यू देखने को मिलेगा। दूसरा कैब दिखाऊँगा, और ये इतना बड़ा कैब नहीं है, वो नीचे का कैब था, वो थोड़ा लंबा कैब था, बहुत आधा घंटा लगता था आपको जाने के लिए। उधर थोड़ा अंधेरा भी है, टच भी नहीं है, तो अकेला नहीं जा सकते उधर, थोड़ा दो चार लोग लगते हैं, और गाइड भी लगता है, एक्सपीरियंस वाला बंदा भी लगता है। अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है, तो आपको अंदर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इधर आपको दूसरा कैब दिखाऊंगा, ये इतना बड़ा तो नहीं है, मतलब बड़ा थोड़ा कैब है, लेकिन अंदर जाने के लिए इतना वो नहीं है। तो इधर थोड़ा एडवेंचर टाइप का आपको मैं दिखाऊंगा, ओके। तो आपको मैं इधर थोड़ा ये इधर एक मंदिर है, ये मंदिर बनाया गया है, ओके। और ये हाँ शिव जी के मंदिर है, और हर हर महादेव। और यहाँ से ये है आपका कैब, और इधर थोड़ा सा अलग ही किस्म का कैब है, तो नेचुरली ऑटोमेटिक बना है, ओके। इधर अंदर जाके आपको देखना है तो ऊपर जाके देख सकते हैं, ओके। ये बहुत बड़ा कैब है, ये था एक ऊपर वाला कैब, ओके। इतना बड़ा कैब नहीं था, लेकिन अभी नीचे वाला कैब है, वो बहुत बड़ा है, लंबा है, लेकिन अभी मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, इधर का तो इतना हो गया है, ओके। और इधर इतने लोग भी नहीं है कोई भी, सिर्फ हम लोग दो जन ही है, मेरा भाई है और मैं हूँ, और मेरा गाइड है वो फिलहाल के लिए, मेरे को इतना मालूम नहीं था इधर के लिए, ओके।
तो अभी मैं नीचे कैब थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं घर रिटर्न, और थोड़ा अभी शाम भी हो जाएगा, घर पहुँचते पहुँचते थोड़ा भूख भी लग गया है, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा, ओके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला कैब ये है, थोड़ा लंबा है, ओके। यहाँ से जाने के लिए आपको टर्च, बहुत बड़ा टर्च की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट तो है लेकिन इधर थोड़ा आपको एक्सपीरियंस वाला बंदा भी लगेगा, क्योंकि अंदर थोड़ा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं है इतना, ओके। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँगा, और इसके अंदर से भी बहुत ऊपर जाते हैं हम लोग, और इधर आवाज़ भी बहुत आता है। पूरा अंदर आपको दिखाऊंगा, इधर से देखिए अंदर बहुत अंदर आए, क्योंकि इसके अंदर जा नहीं सकते, लेकिन अकेला बहुत अंदर है। और ये है मेरा गाइड, मेरा ब्रदर। गाइस, ये था चमेरी कैब, और अंडर डेवलपमेंट कैब, ओके। और ये डेवलपमेंट चालू है, अभी तक इधर कोई डेवलप हुआ नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है, और एक साल दो साल के अंदर शायद ये पूरा डेवलप होगा, और इधर गाइड की भी व्यवस्था की जाएगी। अगर आपको इधर आना है तो आ सकते हैं, आपको कमेंट में बताइए आपको क्या गाइड चाहिए, इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ओके, हेल्प करूँगा। तो गाइज, आज का ब्लॉग इतना ही था, इतना एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरा कैमरे का बैटरी ख़त्म हो चुका है। तो गाइज प्लीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर करना ना भूले। और ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, और आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।